हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो दूध के मलाई से कैसे व्हिप क्रीम बनाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर मलाई दूध से निकाल रही हूँ। ये ध्यान रखिएगा कि मलाई जो है वो बहुत पुरानी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ 2 दिन की मलाई से ही बनाइएगा मलाई क्रीम, नहीं तो वो खट्टा आ जाएगा टेस्ट। तो यहाँ पर मैं एक छलनी में सारे मलाई को डालकर अच्छे से छान लूँगी और अराउंड 1 कप मलाई जमा कर लूँगी। मलाई को छान लेने के बाद आधे घंटे के लिए इसको फ्रीज़र में रख देंगे, सिर्फ अच्छी तरह ठंडा होने के लिए। ये ध्यान रखें कि वो आइस की तरह जम ना जाए, सिर्फ ठंडा करेंगे। और उसको अभी ये निकाल ली हूँ मैं बाहर आधे घंटे के बाद, और उसको अच्छे से क्रीम को गाढ़ा करेंगे। देखिए धीरे धीरे क्रीम जो है हमारा गाढ़ा हो रहा है, 4 to 5 मिनट्स में ये अच्छे से क्रीम तैयार हो जाएगी। यहाँ जो है हमारी क्रीम अच्छे से बन गई है। अब यहाँ पे मैं आइसिंग शुगर डालूंगी, चाहे या फिर आप पाउडर शुगर भी डाल सकते हैं, और उसको फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ देखिए हमारी क्रीम अच्छी तरह रेडी हो गई है। अब इसको यूज़ करने के पहले स्पैचुला से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, उससे क्या है क्रीम में क्रैक्स नहीं आएंगे, इसलिए इसको अच्छी तरह किसी भी चम्मच से मिला लेंगे अच्छी तरह। आप चाहे तो इसमें कलर भी यूज़ कर सकते हैं, जेल कलर या लिक्विड कलर भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर भी इसको पाइपिंग बैग में डालकर दिखाती हूँ कि कैसे कितनी अच्छी ये डिज़ाइन बन सकती है, इसमें कितनी अच्छे से केक को सजा सकते हैं।